जय जवाहर सवारी और जय छत्तीसगढ़। मैं आप पर के दोस्त होस्ट गुलशन धवन। जैसे कि आप मन जानते हो, मैं लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्मों से संबंधित नवा नवा खबर लेकर आते हूँ। तो ऐसे ही आज प्रभात टॉकीज जयपुर में एक फिल्म रिलीज हुई, बेनाम बादशाह जीकर मुख्य नायिका मुस्कान साहू जी और मुख्य नायक जो है जिला तो पहचान के मोहताज नहीं, वैसे वो एक्टिंग के सुपर स्टार है जिकर नाम है करण खान जी। तो मैम आप मन को स्वागत है कैदम में। मैं अभी पिक्चर देख के निकला था, मुझे फिल्म का नाम है बेनाम बादशाह। बहुत ही अच्छा संदेश देगी ये पिक्चर में। अब मैं आप माला का बताऊँ, मैं खुद पिक्चर में काम कर रही हूँ, लेकिन देखा देखा मैं खुश हो डाले रही हूँ ये फिल्म में। इसे बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश आप माला देखे बन मिली, नशा मुक्त जानकारी आप माला देखे बन मिली। तो मोर तमाम दर्शक मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे फिल्म बेनाम बादशाह एक बार जरूर आप देखो, और जो मन देख डाले हो वो मन दोबारा देखो। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँ प्रणव झा फिल्म प्रोडक्शन की पूरा टीम के, जो मन बहुत ही अच्छा सपोर्ट के साथ माला काम कर रहे हो। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, आप मतलब बहुत बहुत बधाई हो। आप मन के फिल्म बेनाम बादशाह लोगन मतलब बहुत पसंद आते, आप दर्शक मन के माया दिला देख के आप मतलब कहा लगा थे, और ये फिल्म के बारे में दर्शक मन के जो माया ये फिल्म में मिलत हवे ओकर बर दिल से हाथ जोड़ के दर्शक मन ला मैं धन्यवाद देवत हूँ। हमन साथ धन्यवाद देवत हन खबर के, हमन जब फिल्म करथन तर हमारे एक उद्देश्य रहते कि दर्शक मन के बहुत अच्छा माया मिल सके, और ये फिल्म पर हमन बहुत सौभाग्यशाली हन कि ये फिल्म में हमन ला काम करे के मौका मिली, खासतौर से मुला काम करे के प्रणव झा जी का मौका मिली, और बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ में फिल्म में संदेश हवा। दर्शक मन के यहाँ तक के रिपोर्ट आवत है कि लोगन आठ आठ नौ नौ बार फिल्म ला देखा, तो ये बहुत गुड साइन है हॉलीवुड पर, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पर और हमारे फिल्म पर। जी अच्छा, ये दारू ला बहुत ज़्यादा मैसेज के तौर पर लेके आया है हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि नाम है कि सबसे ज़्यादा दारू पीने वाला छत्तीसगढ़ रहेगा, तो का कुछ असर पहुँचा थे? वो तो ऐसा हुआ है कि दर्शक मन जिन देखा थे वही मन बताई जी। इस बार मोर से जितना मन मिले है बहुत जन ऐसा मिले हुआ है जिन मन फिल्म ला देख के बहुत कुछ सीखे है। बोला उम्मीद है कि ये फिल्म धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ के गांव गांव हर घर में ये फिल्म वहाँ घुस जाही, सबके दिल दिमाग में छा जाही। हमारे देश की बहुत ज्वलंत समस्या हुआ है, और समस्या ला बहुत इंटरटेनिंग खूबसूरत तरीके से हमारे निर्देशक पवन झा जी हम प्रस्तुत करे है, ये अपन आप बहुत काबिले तारी। अच्छा सर, एक पहली आप मन के मंदरा जी बायोपिक फिल्म आप मन करे हो, वो जो दर्द दिखाया मैं, और यहाँ भी वही हाल है कि दारू के प्रति दिखाता हूँ, तो ओखर लिए कैसे एक्टिंग करो? मैं हाँ हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि हमारे पास में एक कला के माध्यम से जिन मंच मिले हैं, ये मंच के जरिए हम अपन दर्शक मतलब कुछ मैसेज दे सकें तो ज़्यादा बड़े बात है। एंटरटेनमेंट करे पर तो बहुत अकन चीज दुनिया में हुआ है, मेला लगते झूला लगते गार्डन बाग बगीचा हुआ है, यूट्यूब में हजारों एंटरटेनिंग की चीज़ हुआ है। तो हमन कलाकार हमारे कर्तव्य बनते कि हम अपन मनोरंजन के साथ साथ कुछ बड़ा और अच्छा खूबसूरत मैसेज दर्शक में दे सकें, ताकि हमार चाहने वाला मन की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ सके। तो ये बात की हमन हमेशा मैं यहाँ खास तौर से ध्यान रखता हूँ, और एक चलते मैं यहाँ बहुत सेलेक्टेड फिल्म ला करता हूँ, मंदरा जी हो गए या फिर बेनाम बादशाह हो गए, वो जब का फिल्म हुआ है उनमें मैं यहाँ प्रयास करता हूँ कि बड़ा और अच्छा मैसेज रहा है। करण भाई फिल्म के एक फिल्म के एक डायलॉग, बादशाह अपन पैसा के दारू पीते का बाप के नहीं पी, ये डायलॉग ला प्लीज एक बार बोल के बता जी। तो ठीक है, डायलॉग ना मैं बोलूँ, जब का मन सुना था मन आपके पैसे का दारू नहीं पीता हूँ, याद रखिएगा बादशाह सिर्फ अपने पैसे का दारू। के जो इमोशनल टच दे एकदम भारी एकदम बहुत अच्छा सुघर है, एक बारे में क्या कहना है? आप ला कैसे लगी इस इमोशनल लगी से? एकदम मजा आ गए, तो मजा आ गए है, तो ऐसे मजा दर्शक मन ला सब जन ला हुआ थे, जेन फिल्म ला देख के निकला थे उखर आँखी नम है वो रोवत थे, कोनो ला अपन भाई के कहानी याद आते, कोनो ला अपन चाचा के कहानी याद आते, कोनो ला लगा थे कि उखर जिंदगी के दुख की कहानी है, ये बड़े बात है। प्रश्न ये हमें कि आप मन ला का एक्सपीरियंस है जब ये इमोशनल टच करत हो तो काबिले तारीफ है? हाँ बोला भी बहुत इमोशनल हो गए रहे होंगे वो टाइम, ये मुस्कान जी है तो अपना रोवत रही से कि चुप कराए पर हमारा लगभग एक घंटा लगे रही से, और अभी भी फिल्म देखा देखा तो अपना रोए है, तो मुस्कान जी ला हमन सब जन मोर पूरा रुमाल गीला हो गया है।
मैम आप मन फ्रिज के बारे बात कर रहे फ्रिज मोरो बता दे तो फ्रिज आप मतलब मिलिस के नहीं फ्रिज तो बिल्कुल मिलिस है। अगर मैं बादशाह की चीज बोलूं वो बादशाह मोर बोलो नहीं लाके तो हो नहीं सके बड़ा और ताली बजाओ अगर हम डांस भी करें तो शायद आप लोग जी जी पहली बार क्रोमा कट में फ्रिज के अंदर डांस हो रही है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमें जब फिल्म बनी और मैं तो भैया बोली इमोशनल तो मैं ये बोलना चाहूँ कि अधिकतर आज हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रायः प्रायः हर गांव में ये दिक्कत है कि हर कोई आदमी आखिरत में दारू पी तो हम ये फिल्म के माध्यम से हमारा ये बताना चाहें कि दारू पी के का हो सकता है और का नहीं हो सकता जब का दर्शक मन देखे है उमर से हमारे हाथ जोड़ के अपील है कि आप मन दारू पीना बंद कर दो खबर कि दारू पी के सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य खराब हो या पर परिवार छोड़ ही संगतान जब तक नहीं लागे कुछ नहीं खाऊं झगड़ा मताऊं मैं के मैं जाऊं पाछो तहर पछता बे तबे जाबे 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 बहुत अच्छी थी इस पिक्चर से आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें गंदी चीज़ें नहीं पीना चाहिए दारू बहुत गंदी चीज़ होती है और शराब भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा ये फिल्म आप मन करण सर के भतीजे का रोल करे हैं तो कैसे लगी सेटिंग आप मन करत रहे हो रोल करत रहे हो तो बहुत अच्छी लगी। चाचा क्या सिखाया आप क्या सिखाया चाचा झूठ बोलने से भगवान से नाराज हो जाते हैं हाँ इसीलिए एक से